हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैक्नोटेक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ जीटीयू के जो नए सब्जेक्ट्स जो आ रहे हैं, ठीक है। अभी जो फिफ्थ सेम चल रहा है उसमें नए सब्जेक्ट आ चुके हैं, तो वो कैसे फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको जाना है यहाँ पे जीटीयू इन्फो, ओके। सो यहाँ पे जीटीयू इन्फो में जाओगे आप, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जीटीयूइन्फो.com की वेबसाइट है, तो यहाँ पे जाओ। उसके बाद इस तरह से आएगा कुछ, और यहाँ पे आप देख सकते हो सिलेबस लिखा हुआ है, सिलेबस बाय ब्रांच हमें सिलेक्ट करना है। जैसे ही सिलेबस बाय ब्रांच सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे सभी ब्रांच के सिलेबस आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सेमिस्टर वाइज है। सपोज़ मुझे यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में देखना है, तो सपोज़ यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग देखते हैं। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट सेम है, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड सेम का सिलेबस, देन थर्ड सेम का सिलेबस, उसके बाद फोर्थ सेम का, उसके बाद फिफ्थ सेम का, ठीक है। अभी हमें ये चाहिए फिफ्थ सेमेस्टर का, जो अभी नया सिलेबस है जो 3 से स्टार्ट हो रहा है, उसका सब्जेक्ट कोड वो चाहिए, ठीक है। तो फिफ्थ सेम मैकेनिकल की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैकेनिकल के सारे सब्जेक्ट यहाँ पे आ चुके हैं फिफ्थ सेम। और अगर आप उसको डाउनलोड करना है अगर आपको, तो यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया, आप यहाँ पे PDF में जाके वो डाउनलोड कर सकते हो। ये PDF फॉर्म में आ जाएगा और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये डाउनलोड हो गया है, आप इस तरह से डाउनलोड कर सकते हो। मैंने डाउनलोड कर रखा है इसीलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। तो इस तरह से फ्रेंड्स, आप कोई भी सब्जेक्ट जो है वो आप ले सकते हो। तो यहाँ पे बात करते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट हैं मैकेनिकल ब्रांच के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला डिज़ाइन इंजीनियरिंग, जो कि कॉमन सब्जेक्ट है, सबको पता है, थर्ड सेम में भी आया था, फोर्थ सेम में भी आया था, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं, थर्ड सेम में भी है यहाँ पे डिज़ाइन इंजीनियरिंग, ओके। उसके बाद यहाँ पे कंट्रीब्यूटर पर्सनालिटी डेवलपमेंट CPD सब्जेक्ट जो है वो बहुत ही छोटा सा सब्जेक्ट है, उसकी क्रेडिट भी कम है, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स, ये जो सब्जेक्ट है वो इस बार नया लॉन्च हुआ है, BAPS संस्था के द्वारा ये सब्जेक्ट बनाया गया है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, ठीक है। इसके बारे में पूरा जो आपको नॉलेज चाहिए वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दी है, आप वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। उसके बाद कंट्रोल इंजीनियरिंग यहाँ पे सब्जेक्ट है, हीट ट्रांसफ़र, ऑपरेशन रिसर्च, डायनेमिक्स ऑफ मशीनरी, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, ऑयल एंड हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स। तो यहाँ पे ये सारे सब्जेक्ट जो है मैकेनिकल के हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट डाउनलोड करना है तो आप GTU इन्फो में जाके ये सब्जेक्ट डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। फ्रेंड्स, आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।